सत्संग से, साधु संग से ही हमारा असल कल्याण है। इस संसार में जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में कुछ कई प्रकार के पॉल्यूशन जो बढ़ते हैं, प्रदूषण होते हैं, जैसे पानी गंदा होना और हवा का पॉल्यूशन हो गया और कितनी सारी धूल मिट्टी, ये सब इसको प्रदूषण बोलते हैं, जिसमें से सबसे घातक होता है मन का प्रदूषण। और वह मन का प्रदूषण सिर्फ एक साधु संघ से ही दूर हो सकता है। और जिस दिन इस मन का मैल धुल गया, तो जिस प्रकार से अभी प्रभु जी ने कहा कि भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं, परंतु उस भगवान के आने से पहले गुरुदेव का आगमन होना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरुदेव ही गुरु अखंडता, जैसे नित्यानंद प्रभु जी हमारी सत्ता को, भगवान के धाम को, हर चीज को जैसे प्रकट करते हैं श्री नित्यानंद प्रभु, वैसे ही गुरुदेव भी पहले हृदय में विराजमान होकर और तब हृदय को साफ करेंगे और तब कहीं भगवान का आगमन होगा। और ये होगा कैसे, ये भी बड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है, होगा कैसे, इसको सुन लिया, पढ़ लिया, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। ये होगा ऐसे कि जब निरंतर इस मन को सुबह उठने से पहले, क्योंकि जब सब उठते हैं तो सबसे पहले मन रोकता है हमें उठने से, और मन आलस्य में भरा होता है, जैसा कि हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में हमने सुना कि ये आत्मा एकदम शुद्ध है, ये बैकुंठ जाने योग्य है, परंतु इस भौतिक जगत में आकर यह दूषित हो गई है, और यह दूषित आत्मा को वापस बैकुंठ में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। लेकिन जब तक ये आत्मा बैकुंठ नहीं पहुंचेगी, भगवान की सेवा में नहीं पहुंचेगी, तब तक ये अशांत ही बनी रहेगी। और इस आत्मा को शुद्ध करने का बस एक ही तरीका है, साधु संग। और साधु संग करने के लिए, जैसा कि अभी हमने कहा, सुबह जब हमारा मन रोकता है उठने से, तो इस मन को जबरदस्ती, पहले जबरदस्ती करना होगा इसके साथ, जबरदस्ती उठो और अपने पैर की जूती, मन ही मन इस पे मारो, रे मन तो दुष्ट मुझे भजन करने से रुकता है, उठो। और जब उठकर आप स्नान करोगे, स्नान करते ही मन पे की स्फूर्ति आएगी, क्योंकि जब तक हम बिस्तर पर होते हैं आलस्य भरा रहता है, और बिस्तर से उठ के जैसे स्नान करोगे स्फूर्ति हो जाती है और फिर एक चेतनता आ जाती है, और तब मन कहता है हाँ सही किया, उठ गया, अब भगवान का भजन करेंगे। और भगवान का भजन करते करते करते, और आपकी ये जो आत्मा भगवान का भजन करेंगे, साधु संग करेंगे, भगवान की कथा लीला को सुनेंगे, और ये मन, ये बुद्धि, ये आत्मा सब शुद्ध होते चले जाएंगे और हमें साधु संग प्राप्त हो जाएगा। और जिस दिन साधु संग मिल गया, उस दिन हम सबका कल्याण हो जाएगा। आप सभी जानते हैं आज से कुछ समय पहले हमारा कैसे समय थे। इस संसार में बच्चे पैदा करना, शादी करना, भोजन पकाना, अर्थ अर्थार्थ इकट्ठा करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु अपने जीव कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए भजन करना, साधु संग करना बहुत बड़ी बात है। और वास्तव में इसी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, इसी बात को नहीं समझ पा रहे, और यही कारण हमारे दुख का है। क्यों? जैसे अभी प्रभु जी ने कहा, हमारे सभी दुखों का अंत हो जाएगा यदि हम सत्संग में बैठ जाएंगे, भगवान की कृपा प्राप्त कर लेंगे। हमारे भगवान की कृपा प्राप्त कर लेंगे तो हमारे सभी दुखों का अंत हो जाएगा, परंतु यही बड़ा मुश्किल है, यही बड़ा मुश्किल है। और इसको करने के लिए हमें चेष्टा करनी होगी, और जब भी हमें कहीं मौका मिले साधु संग, खासकर अपने गुरुदेव का संग प्राप्त करने का मौका मिले, तो हजार काम छोड़ दो, हजार कामों को छोड़कर अपने गुरुदेव का संग करो, वैष्णव संग करो, कथा सुनो। क्योंकि इस बात को शायद आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु हम अभी महसूस करते हैं इस बात को कि जब गुरुदेव साक्षात होते हैं उसकी महिमा आप अभी नहीं जान पाओगे, परंतु जब गुरुदेव से बिछो होता है उसका अनुभव हम ही कर पाते हैं,
हमें आज भी लगता है काश हमारे गुरुदेव हमारे सामने आ जाए। अपने गुरुदेव की परछाई मैं आपके गुरुदेव में देखती हूँ और मुझे लगता है मैं अपने गुरुदेव की ही सेवा कर रही हूँ। इसीलिए मेरी बस एक ही यही प्रार्थना, हाथ जोड़कर बार बार मैं आपसे कथा में भी रोज जूम पे भी ये कहती हूँ कि अपने गुरुदेव का जितना हो सके उतना संग करो और गुरुदेव की वाणी जितनी सुनोगे उतनी मात्रा में आपको पता नहीं आप कहाँ पहुंच जाओगे। इस संसार के कार्य आप रहो ना रहो होते रहेंगे, परंतु आपके बिना आपके आपके स्थान पर भजन आपके लिए कोई नहीं करेगा। आप जब इस संसार से इस आत्मा इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी चार घड़ी भी आपको घर में नहीं टिकने देंगे कोई, चाहे आपने किसी के लिए कितना भी काम किया। सोचेंगे जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी स्नान करो, आपको छूने भी कोई आएगा ना वो भी स्नान करेगा और 13 दिन बाद पूरे घर को धोएंगे, सफेदी कराएंगे, क्या क्या कराएंगे। और उनके लिए पूरा दिन आपने व्यर्थ कर दिया, परंतु जो गुरुदेव आपका यहाँ भी साथ दे रहे हैं और उस लोक में भी साथ देंगे, उस गुरुदेव के लिए आपने क्या किया, उस गुरुदेव के लिए आपने क्या किया। गुरुदेव समझा समझा कर थक गए, भजन करो भजन करो, और फिर भी समय नहीं, बच्चे पालने हैं। गुरुदेव तो सन्यासी, उनका तो घर बार नहीं, हम क्या करें। आपको पता है आप 2 बच्चे पाल रहे हो, गुरुदेव कितने बच्चों को पाल रहे हैं। आप तो जिंदगी में 1 शादी 2 शादी बच्चों की, पता नहीं 1 2 4 बार उसी में पूरे दिन धन संपत्ति लगा दिया, पीछे तक ऋण उतारते रहते हो। गुरुदेव आपको पता है साल में कितने उत्सव करते हैं। ये गुरुदेव की महिमा है, ये साधु संग की महिमा है। उन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा की और देखो आज आज सबका कल्याण कर रही है। आप भी अपने गुरुदेव की सेवा करो और असल सेवा है अपने गुरुदेव के चरणों में पुष्प अर्पण करो। पुष्प अर्पण ये क्या फूल, ये मार्केट के फूल नहीं, ऐसे पुष्प अर्पण करो कि उनका जीवन भी खिल जाए, ऐसे फूल जो दिन पर दिन खिलते चले जाए, मुरझाने वाले नहीं। और उसके लिए करना क्या होगा, पहले खुद आपको एक माली की भांति एक पौधे को कैसे पालते हैं वो सीखना होगा। सीखेंगे किससे, माली से। और सबसे अच्छे माली कौन है हमारे, गुरुदेव। गुरुदेव से ही इन बगीची की कैसे पेड़ों को साफ रखना है, कैसे इनको पालना है, कैसे पुष्प तोड़कर भगवान के चरणों में चढ़ाना है, ये सब भाव सीखने होंगे। यही मेरा उद्देश्य है। मैं और ज्यादा ना कहकर इतना ही कहूंगी कि बस इतना ध्यान रखना कि जितना हो सके अपने गुरुदेव का संग करो, हरि नाम करो, अपना कल्याण तो होगा ही, आपके अगर पड़ोसी जितने भी आपसे मिलते जुलते हैं उनसे व्यर्थ की वार्तालाप ना कर जितना हो सके साधु संग और भगवान की कथा कीर्तन के बारे में चर्चा किया करो। क्योंकि जितनी हम आपस में अपने समय में गुरुदेव की और भगवान की चर्चा करते हैं वही समय हमारा सार्थक है, अन्यथा पूरा दिन व्यर्थ चला गया। इसके लिए और भी बहुत सुंदर सुंदर, कल गुरुदेव ने बड़ी सुंदर अलीगांव में बहुत सुंदर कथा सुनाई साधु संग की महिमा। अरे जी बताओ, बहुत सुंदर साधु संघ की महिमा बनाई बताई। एक बार नारद जी और भगवान श्री कृष्ण आपस में बैठकर वार्तालाप चल रही होती है और नारद जी कहते हैं, प्रभु भगवान कहते हैं कि नारद साधु संघ अति सुदुर्लभम, और साधु संघ सबसे ज्यादा हितकारी। तो नारद जी ने पूछा साधु संघ की कैसी महिमा, तो भगवान ने कहा मैं इसको बतलाऊंगा नहीं, तो मैं भेजूंगा, मैं कहीं वहां जाओ और तुम खुद देखो साधु संघ की महिमा। कि एक कुएं में गिरगिट होता है, कहते हैं कि जाओ उस गिरगिट के पास जाओ और उस गिरगिट से पूछो साधु संघ की महिमा क्या होती है। नारद जी गए, नारद जी देख रहे हैं गिरगिट कैसे बताएगा साधु संघ की महिमा क्या होती है। तो नारद जी ने पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि साधु संघ की महिमा क्या होती है। तो गिरगिट ऐसे गर्दन हिलाता ना पीछे ऊपर, लेकिन बोला नहीं कुछ भी, और एक दो बार पूछा वो मर गया। नारद जी तो सोच रहे बताएगा क्या, ये तो मर ही गया। फिर गए भगवान के पास कि भगवान वो तो मर गया, वो क्या बताएगा।
तो भगवान ने कहा अब तुम ऐसा करो, एक पेड़ पर तोता बैठा है, तोते के पास जाओ, वो तोता बताएगा तुम्हें। तो वो तोता के पास गया तो तोते से पूछा कि क्या तुम साधु संघ की महिमा बता सकते हो? तो तोता भी नहीं बोला कुछ, फिर से बोला कि तुम साधु संघ की महिमा बता सकते हो? दो चार बार पूछा, तोता भी मर गया। अब नारद जी तो परेशान, ये प्रभु मुझसे जीव हत्या क्यों करवा रहे, जिससे पूछ रहा हूं वही मर रहा है। तो भगवान के पास गए, प्रभु वो भी मर गया, अब क्या करूं? कि जाओ, एक राजा के यहाँ बच्चा होने वाला है, उस हाँ गाय से, गाय से कि गाय एक बछड़ा देने वाली है, वहां जाओ और उस गाय के बछड़े से पूछना। तो वो गाय के पास गए, सचमुच बछड़ा हुआ, और बछड़ा हुआ तो उससे पूछा कि तुम साधु संघ की महिमा बता सकते हो? तो बछड़ा कुछ नहीं बोला, एक दो बार पूछा, बछड़ा भी मर गया। अब नारद जी तो प्रभु ये कैसी महिमा, प्रभु के पास गए और कहने लगे प्रभु वो बछड़ा भी मर गया। तो कहने लगे अब तुम ऐसा करो, एक फला देश का राजा है, उस राजा के पास जाओ और उसको बच्चा होने वाला है, उसकी बीवी को बच्चा होने वाला है, बेटा होगा, और उससे पूछना। अब नारद जी तो डर गए कि ये मर गए तो कोई बात नहीं, राजा तो मुझे मार डालेगा या जेल में डाल देगा, क्यों जिससे पूछ रहा वो ही मर रहा है, अब बच्चा भी मर गया राजा का, तो तू तो गया काम से। तो राजा के वहां गए, सचमुच वहां बेटा हुआ, बेटा हुआ, और परंतु वो रोया नहीं था, रोया नहीं था। और नारद जी ने पूछा क्या तुम साधु संघ की महिमा बता सकते हो? वो बच्चा रोने लगा, ऐसे जैसे पूछा दो तीन बार, वो बच्चा रोने लगा, रोने लगा। अब नारद जी तो वहां से भाग गए कि लगता है ये भी गया, अब राजा मुझे पकड़ेगा और जेल में डालेगा, इसलिए यहां से भाग जाना ही अच्छा है। इतने में वो जो राजा की जो कुछ दासियां थी वो आई राजा के पास और कहने लगी कि वो राजा जी वो बच्चा रोने लगा, क्योंकि जब बच्चा पैदा होते रो ही नहीं, तो इसका मतलब उसमें कुछ दिक्कत है, या तो वो गूंगा होगा या पागल होगा, ऐसा कुछ उसमें ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जो बच्चा पैदा होते ही रोता नहीं, इसीलिए डॉक्टर पीछे से मारते थप्पड़, तब उसको रुलाया जाता है। तो राजा ने कहा कि कैसे रोया, कि एक साधु आया था और साधु ने कुछ कहा, रोने लगा कि जाओ साधु को ढूंढ के लाओ। और साधु तो भागे अपने जान बचा के बेचारा, लेकिन उसको पकड़ कर लाए वापस और लाए। तो नारद जी से कहा कि आपने ऐसा कौन सा मंत्र बोला? कि मैंने क्या बोला? वो सोच रहे कि पता नहीं कुछ हुआ क्या, कि हमारा बेटा ठीक हो गया, राजा ने बड़ा आदर सत्कार किया नारद जी का, और फिर इस प्रकार से फिर वो भगवान के पास फिर गए। इसका मतलब ये है कि साधु संघ की महिमा, देखो गिरगिट कितनी बुरी योनी है, उसमें से साधु संगत किया ना, दर्शन किया, दर्शन करने मात्र से उसकी गति हो गई, उसकी तरक्की हो गई, पक्षी रूप में पहुंच गया। फिर पक्षी रूप में जब साधु संग दर्शन किया, साधु का नारद जी साधु है ना, संग किया, दर्शन किया, वहां से गति होकर एक बछड़ा, बछड़े आप कहते हैं गाय है, हमारी जो 84 लाख योनियां है उनमें बड़ी अच्छी पवित्र योनि है, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गाय में। और गौ का जब हमें सही अच्छे से जन्म मिले तो उससे आगे कहते हैं मनुष्य योनि ही मिलती है भजन करने के लिए, हिंदू घर में जन्म मिलेगा ऐसा कहा जाता है। तो वहां से उसकी गति हुई, लेकिन कुछ पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार उसको जीवन मिला गूंगे का। अभी राजा के यहाँ बेटा बन के आया ना गूंगे का, लेकिन देखो साधु संघ की महिमा, वो गूंगा भी बोल पड़ा। कहते हैं गुरुदेव की एक बड़ा सुंदर श्लोक है, श्लोक तो मुझे याद नहीं, मैं भूल जाती हूँ श्लोक, परंतु उसकी इस प्रकार से महिमा कही गई है कि गुरुदेव की यदि कृपा हो तो लंगड़ा पहाड़ को लांग जाए और गूंगा वेद शास्त्र बोल पड़े, और गुरुदेव की कृपा हो तो निर्बुद्धि भी कितनी सारी व्याख्या कर डाले। गुरुदेव की कृपा हो तो इसको कहते हैं साधु संघ। तो इस साधु संघ के लिए हमें हमेशा ललायित रहना चाहिए। जैसा आज ही सुबह हमारा बड़ा सुंदर टॉपिक चल रहा था
भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक था, उसमें कह रहे थे कि साधु संघ की जो ये लोलुपता है यही हमारे जीवन को सार्थक कर देगी। आपको बहुत अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं कि कौन सा होम करे कौन सा तप करे, नहीं, यदि आपने साधु संघ और खासकर अपने गुरुदेव का संग कर लिया, और वो भी कैसे गुरुदेव, परंपरागत अनुसार, जैसे भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में कहा है, स्पष्ट कहा है कि जो गुरु परंपरागत अनुसार गुरु धारण करते हैं मेरे निज भक्त, निज भक्त उन्होंने कहा मेरे निज भक्त, और जो गुरु परंपरा कर जो तारतम्य है उसी में से जब हम किसी गुरु धारण करते हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और उन्होंने बताया कि मैंने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी ने वेद व्यास जी को, इस प्रकार से धरती पर आगे चला। हम बड़े बड़े भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, हम उसी परंपरा में से हैं। ब्रह्म मधु गौड़ीय संप्रदाय, साधारण संप्रदाय नहीं, जिसको चैतन्य महापुरुष जी ने भी अंगीकार किया। और ऐसी परंपरा में से हरि नाम ग्रहण कर और तब भी यदि हमने आलस्य दिखाया तो फिर हमारा कोई कल्याण नहीं कर सकता। और हमारे कल्याण मात्र एक ही उपाय है हमारे कल्याण का, गुरुदेव का संग, भजन क्रिया। और जैसे भजन क्रिया होगी अनर्थ निरक्ति अपने आप हो जाएंगी और फिर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोल श्री गुरुदेव महाराज जी की। वांछा कल्पतरु भैश्य कृपा सिंधु भैश्य पतिता नाम पावने भ्यो श्री वैष्णव भ्यो श्री गुरुदेव महाराज की जय। और कितने लोगों को उन्होंने भगवान की राह पर लगाई, इसलिए हमारी भागवत में राधा रानी खुद कहती है, कहते जगत में तो बहुत बड़ा बड़ा दान है, कोई स्कूल खोल दे, कोई कॉलेज खोल दे, कोई अरण्य छत्र खोल दे, कोई दुखी दरिद्र को खाना खिलाए, कहते ये जो दान है ना ये पूरा दान नहीं है। किसको कपड़ा पहना दिया दो दिन बाद में फट जाए, भूख किसको भूखे को खाना खिलाया 4-5 घंटा बाद में फिर भूख लगी, किसको बीमारी को मेडिसिन दे दिया फिर दूसरे बीमारी लग जाए, लेकिन ये जन्म मृत्यु का चक्कर से तो निकल नहीं पाओगे ना, ये जन्म मृत्यु का चक्कर में ही भटकते रहोगे हैं। लेकिन जिसको भक्ति का दान अगर किसको दिया, प्रभु की नाम की दान, प्रेम की दान दिया, तो कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन फिर जगत में 2 बार जन्म लेने, संसार में ये 2 बार संसार में नहीं आएगा, वो सीधा मेरे पास में आएगा जहाँ जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, कष्ट नहीं, कोई दारिद्रता नहीं, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ पर मस्ती मस्ती है और मेरा धाम है। लेकिन वो आएगा कैसे, जब मेरी भजन करेगा, जब मेरे भक्ति करेगा। इसलिए राधा रानी कहती हैं जगत में सबसे बड़ा दानी वही है जो भगवान की कथा दान देते हैं और भगवान की भजन में जो लगाते हैं ना, वो सबसे बड़ा दानी है। और हमारे सरिता दीदी वही काम कर रहे हैं, कितने गुजरियों को उन्होंने भजन में लगाया, कितने गुजरियों को उन्होंने, देखो इसकी अपना संसार, बच्चे भी है, पति भी है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी इस सब काम को ये कर रहे हैं। इसलिए हाँ, पहले देखो शंकर जी पार्वती को ही कहते हैं, शंकर जी कहते पार्वती मंजन फल देखई तत्काला काक होई पी का बको मरला। बोले पार्वती अगर कौआ अगर कथा रूपी गंगा में गोता लगाए ना, वो कौआ नहीं, वो कोयल बन जाएगी। कौआ देखे हो, कौन कौन देखे हो, सब देखे हो, आप बताओ कौआ का रंग कैसे है, काला। कोयल देखे हो, कोयल का रंग कैसे, काला। अगर यहाँ कौआ बैठ कर का ज्यादा करने लग जाए ना, बोले कब से का कर रहे, कान दर्द हो गया। लेकिन बसंत ऋतु में जो कोयल कूकती है ना, कितने मीठी आवाज है उसकी, कितने मीठी आवाज है। इसलिए कहते सत्संग रूपी गंगा में कोई गोता लगाएगा ना, वो कौआ नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा, कोयल बन जाएगा। इसलिए आप लोगों को सरिता दीदी ने कोयल बना दिया, ये कोयल है।
और शंकर जी कहते पार्वती बोलो बग होई है, जो बगुला है ना, बगुला देखे हो, देखे हो बगुला, बगुला का रंग कैसे है, सफेद। हंस देखे हो, वो भी सफेद है। हाँ ये तो मैया सब जानती है। इसलिए इसलिए कौआ कौआ क्या खाता है देखना, जितने झूठन फूटन सब गंदी चीज को फेंक दो वही चीज कौआ खाता है, हैं नहीं, ये बगुला वही चीज को खाता है, कीड़े मकोड़े ढूंढता रहता है। लेकिन जो हंस है ना ये मानस सरोवर में रहता है और कमल का जो मधुओं को पान करता है। शंकर जी कहते पार्वती अगर ये बगुला अगर कथा रूपी गंगा में स्नान करेगा ना, वो बगुला नहीं वो हंस बन जाएगा, जैसे आप लोग सब हंस बन गए हो, हैं भगवान की कथा रूपी अमृत को पान करते हो। इसलिए जगत में सबसे बड़ा दान वही है जो भगवान की कथा दान करते। एक छोटी स्टोरी सुन लो, देखो तुम लोग भी एक एक सरिता दीदी बन जाओ, इसलिए देखो तुम लोग भी एक एक सरिता दीदी बन जाना, फिर देखो ना सारी गुजरी है ना, गुजरी कौन है, गोपियों को, गोपियों को, गोपियों को गुजरी कहती है, गोपियों को हैं, गोपियों को। इसलिए हम चाहते तुम्हारी जितने गुजरी घर है सबको सचमुच से गोपी बन जाए। गोपी मतलब क्या है, गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जो अपना इंद्रियों से नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को राधा रानी प्रेम रस को जो पान करते वो गोपियां हैं, वो गुजरी है, ठीक है ना। इसलिए हम चाहते पूरा तुम्हारी गुजरी समाज सब भगवान की भक्त बन जाए, घर घर में हरि कीर्तन हो, हरि नाम हो, कोई शराब नहीं पिए, जुआ नहीं खेले, सिगरेट नहीं फूके, हैं गंजा नहीं फूके, सबके सब पान करना तो कृष्ण भक्ति रस को ही पान करे, ठीक है ना। हाँ इसलिए देखो छोटी छोटी जगह स्टोरी सुन लो, जो भगवान की भक्ति में लगाते हैं वो कितने बड़े दानी हैं, ध्यान से सुनना, इसको याद कर देना, ठीक है, तुम भी सुनना, तुम तो बहुत सारी जगह पर जाती हो, एक कापी एक पेन लेकर जाना, हाँ इधर सुनकर इधर निकाल देती, निकालना नहीं सब कापी में लिखना, और तुम भी सरिता जैसे अगर बन जाओगे ना पर तो सारा दुनिया ही भजन भजन में लग जाएंगे सबके सब, ठीक है ना। देखो एक स्टोरी सुना, मतलब एक समय एक पिताजी अपना बच्चे को लेकर के एक बहुत बड़ा मेला देखने के लिए गए, मेला में बड़े टहल चहल है, कहीं सर्कस कहीं हैं नाटक नवेल तरह तरह का सबके सब हो रहा था। वो बच्चा बड़ा खुश होकर देख रहा था, पिताजी का उंगली पकड़ा, ए बड़े खुश होकर के मेला देख रहा था, लेकिन मेला में बड़ा टहल चहल था, देखते देखते हठात कैसे पिताजी के हाथ से बच्चे का हाथ अलग हो गया, पिताजी देखा मैं भी अलग और श्री बच्चा देखा मैं भी अलग, दोनों ही अलग है। देखो ए इधर सुना, ध्यान से सुना, तुम भी सभी याद कर कथा को, अभी देखा दोनों बाप और बेटा अलग, देखो जो मेला बच्चे को इतने आनंद दे रहा था अभी वही मेला है, लेकिन चूंकि पिताजी के हाथ से बच्चा का हाथ अलग हो गया वो मेला अभी आनंद नहीं दे पा रहा है, वो मेला में अभी बच्चा रो रहा है, मेरे पापा जी कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ, मेरे पिताजी कहाँ। अभी सब लोग इकट्ठे हो गए, छोटा बच्चा इसका पिता कहीं गुम गया, अभी इसको कोई खिलौना देता है थोड़ी समय के लिए खुश हो जाता है, फिर कहते मेरे पिताजी कहाँ, मेरे पिताजी कहाँ, फिर कोई ला करे कोई टफी दे दे थोड़ी समय के लिए खुश, उसको बाद में कहते मेरे पिताजी कहाँ, किसी ने थोड़ी समय के लिए मिठाई दे दिया फिर खुश, कहते मेरे पिताजी कहाँ, मेरे पिताजी। एक कोई बुद्धिमान व्यक्ति था, देखा जब तक इसको पिताजी को ढूंढ करके नहीं लाए भले ही उसको जो कुछ दे दो बच्चा कभी खुश होने वाले नहीं, बच्चा कभी खुश नहीं होगा, इसको पिताजी को ढूंढो। अभी ढूंढते ढूंढते ढूंढ रहे थे, देखा एक व्यक्ति पागल होकर सबको पूछ रहा है मेरे बच्चा कहीं मेला में खो गया, कोई देखे हो, कहीं देखे हो। एक ने कहा हाँ देखा वहां पर छोटा बच्चा रो रहा है, पिता पिताजी बोले करे, बोले कहाँ पर, बोले वहां पर, बोले कहाँ, बोले आओ हमारे साथ में, बोले तेरे बेटा है, बोले हाँ ये मेरे बेटा है, बेटे को बोले ये तेरे पिताजी, बोले हमारे पिताजी। बात जो बेटे को हाथ हो पिताजी को हाथ में पकड़वा देना, बच्चा खुश हो गया, अब इसको टफी देने का जरूरत नहीं, मिठाई कोई खिलौना देने का जरूरत नहीं, खुश हो गया। हाँ देखो इस चीज को समझो, कहती संसार एक मेला है, क्या है ये एक मेला है, हैं ये मेला में कहती ये बच्चा कब तक खुश होकर के मेला देख रहा था, बोले तब तक देख कर खुश हो रहा था जब तक पिताजी की अंगुल पकड़ कर रखा था, लेकिन जब पिताजी के अंगुल से उसका हाथ अलग हो गया ना वही मेला है।
लेकिन वो मेला अभी उसका आनंद नहीं दे रहा है। वो मेले को अंदर में भी वो रो रहा है। क्यों? वो पिताजी का हाथ से उसका हाथ अलग हो गया। हम भी उसी तरह, हम भी संसार में सब रो रहे हैं। बताओ कौन नहीं रो रहा है संसार में? कोई तन से रो रहा है, कोई मन से रो रहा है, कोई धन से रो रहा है, कोई पति से रो रहा है, कोई छोरा से रो रहा है, कोई छोरी से रो रहा है, कोई परिवार से रो रहा है, कोई पड़ोसी से रो रहा है। रो रहे कि नहीं सब के सब? बताओ कौन नहीं रो रहा है संसार में? सब रो रहे हो। कोई सुखी नहीं, सब दुखी। कह चुके क्यों रो रहे हैं? बोले क्यों रो रहे हैं? कारण है, ठाकुर जी का हाथ से ना हमारे हाथ अभी अलग हो गया। हमारे जो असली जो पिता है ना, जो तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव, हमारी जो असली पिता जिसे हमारे अपना हाथ हमारी अलग हो गई, इसलिए इस संसार में सुख नहीं, सब दुखी दुखी। लेकिन ये चीज को समझो, कोई इसको खुश करने के लिए कोई टफी दे रहा है, थोड़ी समय के लिए तो खुश हो जाता, फिर रोना शुरू कर दिया। कोई खिलौना दे दिया, थोड़ी समय के लिए खुश, फिर रो। हम भी संसार में ऐसे ही, ये नहीं थोड़ी समय के लिए मिल गया फिर खुश हो गए। जैसे संसार में कोई एक समस्या तुम्हारी है, सोचते हैं किसी तरह से ये एक समस्या दूर हो जाएगा ना, खुश होएंगे। देखना अब प्रैक्टिकल रूप में देखना, वो समस्या तो गई नहीं, दूसरे समस्या दूसरे दुख आ गए। फिर सोचते हैं भैया ये दुख किसी तरह से चली जाए, फिर सुखी रहेंगे। अब देखना वो दुख तो गया नहीं, तीसरे दुख आती कि नहीं? यही हो रही कि नहीं संसार में? हम संसार में सब के सब दुखी दुखी होकर रो रहे हैं, रो रहे। इसी तरह संसार में जो दान है, कपड़ा नहीं, किसी ने कपड़ा दिया, थोड़ी समय के लिए बढ़िया कपड़ा पहन करके, कोई तिथि दीवार आए ना, मॉल से बढ़िया साड़ी सूट सलवार ले आए, पहन करके थोड़ी समय के लिए खुश हो गए, फिर संसार में फिर दुखी हो जाते हैं, फिर संसार में दुखी हो जाते हैं। फिर बेटा नहीं, बेटा आ गया, थोड़ी समय के लिए खुश हो गए, फिर बेटा बात नहीं सुनता है, बेटा बात दोपहर दुखी हो गए। देखना संसार में ऐसे ही थोड़ी समय के लिए तो कोई सुख आ जाता है, अब देखना फिर दुख कहीं चल, सुख कहीं चली जाती है, फिर संसार में दुख आ जाती है। कहते जैसे बच्चा दुखी हो रहा था, सुखी हो गया, दुखी हो रहा, फिर दुखी सुखी। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ने देखा, भैया जब तक इसको पिताजी को साथ में इसको नहीं मिला दो ना, इसका दुख जाने वाले नहीं। लेकिन उसने क्या किया, उसको पिताजी को ढूंढा, उसको पिताजी कहाँ है, बस जो पिताजी को मिला, बोले ये तेरे बेटा, बोले हाँ, बोले ये तेरे पापा, बोले हाँ, उसका हाथ पकड़े खुश हो गया। फिर उसको टफी देने का जरूरत नहीं, उसको कोई मिठाई देने का जरूरत नहीं, कोई खिलौना देने का जरूरत नहीं, क्योंकि असली पिताजी से मिल गया ना, बस आनंद ही आनंद है। देखो ये सत्संग हमें क्यों, हमें जो भगवान की भक्ति में लगाते हैं, कभी ये सबसे बड़ा दान क्यों? कारण है, उसने क्या किया, हमारे जो असली पिता है ना ठाकुर जी, उनसे उन्होंने मिला दिया। हमारे पिता कौन है? ठाकुर जी। वो कौन है? बोले अमृत, वो आनंद स्वरूप है। हम कौन है? अमृतस्य पुत्रा। हाँ, वो आनंद के बच्चे हैं, हाँ, भगवान के। लेकिन अभी हमें पता ही नहीं हमारी जो पिता कौन है, हम दर दर भटक रहे हैं, ठोकर खा रहे, भटक रहे हैं। लेकिन जब असली पिताजी से मिल जाओगे ना, बस तुम्हारे सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन असली पिताजी से मिलोगे कैसे? उसको पाने का केवल एक उपाय है, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये ठाकुर का नाम करोगे ना, इसलिए कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम है। यही नाम के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नामी को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। ये हरि का नाम करोगे तो ही हरि नाम ही तुम्हें अपना असली पिताजी को पास में तेरे को पहुंचा देगा है। इसलिए क्या करना, हरि का नाम जप करो। समय रहे तो इधर उधर बेटा बहू की सास ससुर की बात नहीं करके माला लेकर हरि का नाम जप करो, इससे ही शांति सुख सब कुछ प्रभु का नाम से ही तेरे को मिलेगा। हनुमान जी बताओ दिन भर क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन, यही तो करते हैं ना हनुमान जी। और दिन भर करते हैं क्या, राम की सेवा, राम का नाम करते हैं। पार्वती भी यही प्रभु का नाम जप करती है, शंकर भी यही ठाकुर का नाम, सारा दुनिया में देखोगे सब ठाकुर का नाम ही जप करते हैं। ठाकुर के नाम के बगैर जगत में कुछ हो ही नहीं। इसलिए क्या करो, ठाकुर का नाम जप करो, गंदी चीज को छोड़ो, ठीक है हाँ, गंदी चीज को छोड़ो। लगता है तुम तो कोई गंदी चीज खाते पीते नहीं, लेकिन एक प्याज लहसुन को ही खाते होंगे,
हैं, तो ये तुम तो खाते नहीं, तुम लोग खाते हो ना। हाँ कोशिश करना, जैसे अब नवरात्रि ने कोई प्याज लहसुन खाते हो, क्यों नहीं खाते हो? कारण क्या? माता जी को पसंद नहीं, तभी तो नहीं खा रहे हो। क्या 9 दिन तक तो दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा? हाँ, जो चीज माता जी को पसंद नहीं वो चीज हमें भी पसंद नहीं होनी चाहिए। मैया को क्यों प्याज लहसुन में क्यों नाराज है? इसलिए पुराने में बताया जो प्याज है ये गैया का मांस से बना है, लहसुन गैया की हड्डी से बना हुआ है, इसलिए माता जी को ये चीज पसंद नहीं। कान्हा को भी भोग नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है? ये गो मांस से सृष्टि हुआ है, गैया का मांस। और ऋषि ने यज्ञ किया था, उन्होंने किसी ने गैया को बलिदान दिया था, किसी ने छुपा दिया था राख में, उन्होंने अभिशाप दिया तो गो मांस से बन गया प्याज। हैं, जैसे मांस लाल लाल रंग है ना, प्याज भी लाल लाल रंग है, देखना। और जैसे जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, कच्चा प्याज खाओ मुंह से बदबू आएगा, बात नहीं कर सकते। यहाँ प्याज काटो पता कहीं प्याज कट रहे हैं, प्याज कहीं कट रही है, छोक दो घर घर में बदबू फैली जाती। कारण क्या है? उसका जो सृष्टि ये गो मांस से हुआ है, इसलिए जो प्याज खाते हैं वो प्याज नहीं गैया का मांस खा रहे हो। और हिंदू होकर गैया मांस नहीं खानी चाहिए, बोले ये प्याज फिर आया कहाँ से, लहसुन कहाँ से आया? बोले सब मुसलमान लोग ने लाए, ये गो मांस खाने वाले लोग लाए। पहले किसी हिंदू घर में गो प्याज नहीं चलता था, क्यों? तुम्हारी मैया को देख लो क्या करती थी, ठाकुर को भोग लगाती थी, खाना को सेवा करती थी, यही करती थी ना तुम्हारी। देखना एक दो पीढ़ी पहले किसी घर में नहीं घुसता था, कोई ये चीज को नहीं खाते थे, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव से धीरे धीरे प्याज खाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे अंडा खाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे मांस मछली खाना शुरू कर दिए, क्यों? ये मुसलमान लोगों ने लाए, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करना ये चीज को 9 दिन तक नहीं, पूरा के पूरा जिंदगी भर के लिए चीज को फेंक दो। भगवान को अच्छे तरह से भोग लगाओ, बढ़िया से खाना बनाओ, ठाकुर को भोग लगा कर खाओगे, घर में लक्ष्मी की भी कृपा होती है। हैं, सुदामा का नाम सुने हो? ये दरिद्र क्यों बना, फिर गरीबी क्यों बना? ये उसने गरीबी क्यों बना, दरिद्र क्यों बना? कारण है, आप टीवी में देखे होंगे ना, जैसे गुरु माता ने सुदामा को चाना दिया था, बोले कृष्ण को देकर खाना, लेकिन वो छुपा छुपा कर खाया, इसलिए गरीब बना। धनी का बना, जब भगवान के लिए 2 मुट्ठी चिड़िया लेकर कहे ठाकुर जी 2 मुट्ठी खाए तो त्रिभुवन का राज्य दे दिया, ठीक है ना। इसलिए ठाकुर को देख रहे खाओगे ना, घर में लक्ष्मी की आशीर्वाद हो, ठीक है। प्याज लहसुन नहीं खाना, हरिनाम जप करना, ठीक है। हरिनाम जप करना, प्याज लहसुन नहीं खाना, ये क्या सास है तुम्हारी, ये खाती है? इसलिए नहीं खाने का, ठीक है ना। जो कुछ खाओ ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओ, भगवान का नाम जप करो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय श्री राम। अभी हमारे प्रभु जी एक दो होली गा लेंगे, फिर हमको जल्दी जल्दी जाना, शाम को हमारे लिए कोई इंतजार कर रहे, कोई बड़े दूर से आया है, वो बैठा हुआ है, एक होली गा लो, सबके सब नाच लेंगे बाद में। देखो घर का मालिका नहीं, कौन है जिस घर में भगवान का कीर्तन हो गई, इधर जिस घर में साधु संत आ गई, संतों का चरण धूलि भगवान का कीर्तन हो गया ना, वो घर घर नहीं कह दो, घर भगवान का धाम गोलोक वृंदावन हो गया। और भगवान का कीर्तन होने से कितना मंगल भवन अमंगल, घर का सारे पाप तप चल जाती है, घर का सारे दुखों कष्ट कीर्तन होती घर से बाहर चली जाती है, निकल जाती है। और पृथ्वी का सारे तीर्थ तो उसी घर में आते हैं जिस घर में भक्त लोग आए हरि कीर्तन हरि कथा हो, ठीक है ना। तुम लोग भी घर घर में सब कीर्तन किया करो, और सरिता दीदी को बुला लेना, तू आ जा मेरे पास, आ जा हमारे जी, यहां 3 महीने में एक बार आती है, महीना महीना 3 महीने में एक बार, छोटा सा राज है कीर्तन बोलते मैं ही हूं। राधे बिपुल गुण रस कन्हिए प्रकाश, जिनके पग चापत नंद लला, वो तो वेद प्रसिद्ध सुभायन में, सुरते तिस कोटि की कौन गिने, यहाँ ब्रह्म रयो लिपटायन में,
गावे लाल गोपाल के जीवन मूल शशि कांत के कोटि प्रवाहन में राहो रे मन तो सो करूं विनती दस भान किशोरी के पान में जय जय Yeah.
की आधा गोपी का नाच रहे थे आधा तू होली पे होली पे नाच रही होली में खड़े हो जाओ संसार का भगवान के सामने नाचोगे तो संसार का नाच खत्म हो जाएगी सब एक बार खड़े हो जाओ परेशाने की गुजरी रोज करे हैरान कन्हैया कह रहे हैं गुजरिया बरसाने की गुजरी रोज करे हैरान अब कहाँ बच के जाएगी खेल में तो देखा कैसी मुस्कराए रही है गुजरिया अब कहाँ बच के जाएगी खेल में तो I'm gonna make it.
छोटी मन मोहन से ब्रज नारी छीन पीतांबर का मरिया मुरली लैली छीन लता में छुपाई तेरा सियाई सखी सब धाय उड़ाए हंसी किसी खीर सी खाई लड्डू से मोहन रूठ गए जलेबी सी राधा मना राधे लाला तो एरे चखाऊं रस होली को Thank you.
आई।